वेलकम सर, टुडे इज आईआईटी जैम प्रॉब्लम्स है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। बट हियर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया था, बट बहुत ही कन्फ्यूजन्स हो गए, क्रिएट हो गए, बहुत सारे फ्रेंड्स की क्यूरीज आए कि नहीं हाँ ये प्रॉब्लम्स है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो भी है। तो मैं अभी उसको टोटली करेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब मेरे टीम्स हो जिसके थ्रू मैं वर्क करता हूँ और करता रहूंगा आगे तक। बट इज इम्पॉर्टेंट टास्क मेरा है कि कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करें। देखने में इजी है, बट ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आज इस आपको प्रोवाइड करूंगा। ट्रिक कैसे होगा, व्हाट इज द ट्रिक्स, क्या है ट्रिक्स के थ्रू भी कैसे सॉल्यूशंस को हम करेंगे। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो मिसिंग वॉइस है उसको मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। फर्स्ट फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि जब लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं उस सिमेट्रिक की कंडीशंस आपको बताना चाहूंगा। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशंस, फर्स्ट वी ऑब्जर्व, एवरीवन इज नो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट है, सबको आपको पता है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है, दैट इज द सिमेट्रिक कंडीशंस, ठीक है। तो A11, A12, A13 में 3 क्लास 3 के लिए ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो रहा है 21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। मान लीजिए कि किसी रो का सम, इनका जो सम है टोटल, अल्फा 1 मिल जाता है, अल्फा मिलता है, ये अल्फा मिलता है और इस अल्फा अल्फा मिलता है, ठीक है। दैट इज द क्रिएशन ऑफ वर्क, माय वर्क कर रहा है कि जब सम ऑफ दिस मतलब प्लस प्लस ऑफ दिस वी गेट द अल्फा एंड हियर अल्फा एंड हियर प्लस आप मान लीजिए करते हैं देन वी गेट द बीटा व्हिच इज द बीटा या व्हिच इज द बीटा, ठीक है। तो अब यहां पे जो मिसिंग हमसे हुई थी, ये अल्फा जो है, अल्फा या बीटा समथिंग, जो कि दोनों नहीं होंगे बट एक ही होगा, तो अल्फा अल्फा जो होगा ये क्या होगा, अल्फा एंड बीटा वन रूट्स होंगे, नॉट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बट व्हिच इज द वन रूट, ठीक है। क्लियर हुआ कि अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज वन आइगन वैल्यू ऑफ, सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ऑफ ए, अल्फा इज वन आइगन वैल्यू आर समथिंग, अगर यहां तो आर, बीटा इज वन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस नहीं मिलेंगे आपको इस तरह से, अगर सम सम इक्वल टू समथिंग, बट एनी वन एक तो मिलेगा आपको जरूर। अगर ऐसे कंडीशंस फॉलो होती है तो अल्फा और बीटा दैट इज वन आइगन वैल्यू ऑफ दिस, ओके क्लियर। अब सेकेंड पार्ट आता है, दैट इज हियर कि अगर सपोज दिस इज A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है, दैट इज अ वैल्यू विच इज अल्फा, सपोज अल्फा विच इज अल्फा विच इज अल्फा अल्फा विच इज अल्फा, दैट इज हियर एंड विच इज सम आल्सो दैट इज अल्फा, मतलब ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा, ट्रेस भी अल्फा हो, सो ट्रेस इज आल्सो अल्फा हो, so that case eigen value alpha is the largest eigen value of the given problems, that समझ में आई बात, ये सभी sum alpha हो, ठीक है, and trace of a is equal to alpha है, so that is one eigen value of this, so alpha is the largest eigen value, ध्यान में रखिए आप, सबका sum हो तो हम ये कह सकते हैं कि alpha is the largest eigen value of this, okay, तो ये ध्यान में रखिए आप, it means here alpha is वन आइगन वैल्यू एंड ऑल्सो लार्जेस्ट लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ठीक है। ये कॉन्सेप्टुअल लॉजिकल है, ये होगा कि दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान में आप तो इस तरह के क्वेश्चंस को लिए रख लीजिए, ठीक है, कि अगर डायगोनल ट्रेस अल्फा इक्वल्स हो और ये हियर अल्फा हो, हियर अल्फा हो, तो दैट इज द ट्रू इज अल्फा वन आइगन वैल्यू। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम से इसको चेक किया है, दैट इज द करेक्ट,
तो ये दो डिफरेंट लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। अगर ये इक्वल्स है तो वन रूट्स होगा, बट वी कैन नॉट से हियर कि व्हिच इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, बट व्हिच इज हियर आर नॉट से दैट बीटा इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, बट वन रूट इज करेक्ट, वन रूट इज हियर, अल्फा इज द वन रूट्स ऑफ गिवन प्रॉब्लम्स हियर, बीटा इज वन आइगन वैल्यू ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम मैट्रिक्स हियर, बट दैट इज फॉलो दैट दैट इज द अल्फा इज वन आइगन वैल्यू व्हिच इज नेसेसरी एंड व्हिच इज आल्सो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है मेरा, दैट इज योर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस। तो इन दोनों का कंसेप्ट हम यूज करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स मिल सकता है और किसी भी थ्योरम से प्रॉब्लम को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल्स लेकर के आप पुटअप कर लीजिए और चेक कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऑलवेज 100% राइट, बट 90-80% आई विल करेक्ट हियर देन हियर ऑब्जर्वेशंस। सो सिंपल इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं दैट इज 21, दिस इज 21, दिस इज 21, हियर 21, हियर 21, हियर 21 एंड सम इज दिस 11, दिस इज आल्सो 21, सो दैट इज ऑल दिस कंडीशंस आर फुलफिल हियर, दिस इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू 21। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 21, वन आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 21, वन आइगन वैल्यू इज हियर। तो अगर आप यहां पे पुट अप कर दीजिए तो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो अब इन दोनों दो एक ऐसे अपोजिट वैल्यूज मिल लेनी है आपको जिनका सम 0 भी हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये एवरी टाइम से मिलता है क्योंकि मैं जो ये बोल रहा हूँ ऐसे ही वर्क होगा, एवरी टाइम से होंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दैट इज ट्रू। ठीक है, तो आप कोई भी एक दो छोटे प्रॉब्लम्स लीजिए और उनको ऑब्जर्व करके देख लीजिए कि हम वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थीके?